व्हाट्सएप पर गेल पर एक सवाल भेजा है। उनके पास 500 शेयर है जो उन्होंने 175 रुपीज प्रति शेयर के दाम पर खरीदे थे। अक्षय, क्या राय रहेगी? स्टॉक अभी 224 के आसपास है। उन्होंने अपना टाइम होराइजन तो नहीं भेजा है व्हाट्सएप पर, लेकिन अगर नियर टर्म का होराइजन है तो गेल के चार्ट्स पर क्या नजर आ रहा है? नजरिया मीडियम टू लॉन्ग टर्म का है तो अभी भी प्राइस स्ट्रक्चर काफी मजबूत है। शॉर्ट टर्म में काफी पीएसयू क्षेत्र के स्टॉक्स में हमने बिकवाली दिखी थी रिसेंटली, बट गए 2-3 सेशन में रिकवरी भी अच्छी रही है। तो जिस तरीके का रोल ओवर हमने अक्टूबर में देखा है पॉजिटिव है, और ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रांग होने के चलते आप गेल को होल्ड कर सकते हैं। लेवल्स है 185 का, जो एक सपोर्ट जोन है, एम सपोर्ट जोन है, अगर आप मीडियम टर्म स्तर से होल्ड कर रहे हो। और टारगेट प्रोजेक्शन फिलहाल मेरा 275 से 290 तक है, तो ये टारगेट्स के लिए बने रहने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो ये है गेल इंडिया पर आपको राय मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे। जैनब खान हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। जैनब, गुड मॉर्निंग, बताएं क्या है आपका सवाल? गुड मॉर्निंग, मेरा सवाल है दो शेयर पे, एक कोचिन शिपयार्ड है और दूसरा लुपिन है शायद आपके पास जी। मेरा सवाल है कोचिन शिपयार्ड पे। हाँ, और एक एक शेयर शायद आपका लुपिन भी है। हाँ, लुपिन लिमिटेड और कोचिन शिपयार्ड। ठीक है, तो एक बार मैं भाव दोहरा देता हूँ, अब बताइए सही है क्या। लुपिन आपने 2200 पे खरीदा है और कोचिन शिपयार्ड 2300 पे। यस, ठीक है। नजरिया आपका क्या है? लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म है। गौरांग सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। लुपिन 2200 की इनकी खरीद है तो कोचीन शिपयार्ड 2300 की। जाहिर सी बात है, डिफेंस शेयरों में जो जिस तरह से हम चर्चा भी कर रहे थे और लगातार ये नज़रिया बन रहा है कि बजट के बाद से जो सरकारी शेयरों में करेक्शन नज़र आया, उसमें सबसे ज़्यादा जो रक्षा क्षेत्र के स्टॉक्स हैं वो पिटे हैं। तो पहले ज़रा कोचीन शिपयार्ड पर राय दीजिए, क्योंकि यहाँ पर नुकसान ज़्यादा होता हुआ लॉन्ग टर्म का नज़रिया है। खरीद भाव 2300 का है, लुपिन 2200 पे लिया है। देखिए, लुपिन पे लंबी अवधि का नजरिया तो बने रहे, मेरे ख्याल से बहुत लंबे समय बाद यहाँ पर परिवर्तन हुआ है प्रशांत जी, और ये परिवर्तन अच्छे के लिए हुआ है क्योंकि आंकड़े भी सुधर रहे हैं, खास करके जो अमेरिकन मार्केट्स पे जहाँ पर ये अपने कारोबार करती थी वहां से जो योगदान आ रहा था वो बिल्कुल नकारात्मक था, लेकिन अब बेहतर परिवर्तन हो रहा है। एक आउट परफॉर्मेंस पिछले 3-6 महीने में हमने देखा है, तो लंबी अवधि का नजरिया तो बने रहे। रक्षा क्षेत्र का जो आपने प्रश्न पूछा है कोचिन शिपयार्ड को लेकर के, तो पहले कुछ रोशनी में रक्षा क्षेत्र पर डाल देता हूँ। देखिए, 3-6 महीने पहले यही क्षेत्र था जहां पर लोग मेरे ख्याल से दौड़ दौड़ के निवेश करने के लिए चाह रखते थे, क्योंकि ये बहुत शानदार आउट परफॉर्मेंस दिया था पिछले 1.5-2 साल में। किसी ने 50, किसी ने 100, किसी ने 150, किसी ने 200, किसी ने 250% के ऊपर का रिटर्न दिया है, अगर आप तुलना करें पिछले 1.5-2 साल की। ऐसे आउट परफॉर्मेंस के बाद मुनाफा वसूली आना लाजमी होता है छोटी मध्यम अवधि के लिए। इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप अपनी लंबी अवधि की जो विचारधारा और निवेश है उसमें कोई परिवर्तन करें। हमारी कोचिन शिपयार्ड पर लंबी अवधि के लिए निवेश की राय थी। फिलहाल जो ऑर्डर बुक और नतीजे आए उसको लेकर के अंडर रिव्यू चल रहा है, लक्ष्यांक के परिवर्तन को लेकर के, तो अंडर रिव्यू है इसलिए विशेष रूप से टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन आपके चैनल के माध्यम के द्वारा ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को एक बात बिल्कुल कहना चाहूंगा, अगर आपने रक्षा क्षेत्र के किसी भी सक्षम मजबूत कंपनियों में निवेश किया है तो आपकी समय सीमा जो है वो कम से कम 3-5 साल होनी चाहिए, अगर आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा इस क्षेत्र की कंपनियों में जो निवेश किया उसमें से कमाना है। चलिए, तो डिफेंस क्षेत्र पे थोड़ा सा नजरिया आपको लंबा रखना पड़ेगा गौरांग की ये सलाह दी हुई।